नालछा के सीएम राइज स्कूल में उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद 15 दिन के लिए छात्र संघ की ओर से 12वीं क्लास की छात्रा नंदिनी कुशवाहा को स्कूल का प्राचार्य बनाया गया। 6 दिसंबर से नंदिनी कुशवाहा को प्राचार्य बनाया गया और स्कूल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए। 15 दिन के लिए सीएम राइज स्कूल की प्राचार्य बनी नंदिनी कुशवाहा ने हर कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि के रूप में एक अध्यक्ष बनाया। उसके बाद स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं और समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान प्राचार्य बनी नंदिनी कुशवाहा ने स्कूल स्टाफ को समय पर स्कूल आने और सही समय पर अपनी अपनी कक्षाएं लेने के लिए भी कहा गया। वहीं लंबे समय से स्कूल में बाहरी असामाजिक तत्वों का स्कूल परिसर में डेरा जमाने और बाइकों से चक्कर लगाने को लेकर उन्होंने धर्मपुरी क्षेत्र के विधायक पाचीलाल मेड़ा के साथ नालछा थाना प्रभारी से मिलकर छात्राओं को हो रही परेशानियों से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद थाना प्रभारी ने जल्द ही स्कूल में पुलिस के गश्त लगवाना प्रारंभ कर दी, जिसके चलते अब स्कूल में असामाजिक तत्वों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं प्राचार्य छात्रा नंदिनी ने कक्षा के छात्र छात्राओं से भी चर्चा की और पढ़ाई के संबंध में आ रही परेशानियों और कोर्स पूर्ण नहीं होने को लेकर भी योजना तैयार कर स्कूली शिक्षकों को अवगत करवाया। नंदिनी कुशवाहा का कहना है कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें सीएम राइज स्कूल में 15 दिनों के लिए प्राचार्य बनने का अवसर मिला। वहीं स्कूल की प्राचार्य संगीता सोलंकी का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद 12वीं की छात्रा को 15 दिनों के लिए स्कूल का प्राचार्य बनाया गया है। इस दौरान उन्हें स्कूल की पढ़ाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को समझना, देखना और उनका निराकरण करना है। स्कूल के द्वारा मेरा सौभाग्य है जो मैं पहली प्राचार्य बनी, और उसके बाद जैसे कि स्कूल में पहले मैं इनके साथ पढ़ती थी, अब मुझे पता चल रहा है कि कैसे कैसे मतलब स्कूल में कितना बड़ा स्कूल है, बाकी जैसे कि बच्चे अनुशासन में नहीं रह रहे थे, उन्हें मैंने अनुशासन में रखने के लिए हर क्लास के बच्चे चुने, सर जो भाग रहे थे उन्हें रोकने के लिए उनकी जानकारी ली, जो कि मैंने बच्चे चुन लिए हर क्लास से, और मैंने मेरी एक टीम बना ली है, मैंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं, और अब कल से प्रेयर भी बाहर होगी सारी इधर के स्कूल जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और सेकेंडरी स्कूल की साथ में होगी। उसके बाद जो टीचर आ रहे थे मैंने उनकी गतिविधि पर ध्यान रखा, टीचर्स की गतिविधि पर ध्यान रखते रखते मैंने टीचर्स जो परेड वगैरह लेते हैं जो नहीं लेते उनकी भी मैंने एक्शन लिया है उन पर भी। उसके बाद जैसे कि बहुत बड़ी एक समस्या थी हमारे स्कूल की, ये बाहर के बच्चे आना जाना लगा रहता था, विधायक जी आए थे उन्हें मैंने अवगत करवाया, उनके द्वारा मैंने जिला प्रभारी को अवगत करवाया कि उन्होंने उस चीज़ को समझा और एक जो समस्या का था निराकरण करा। उन्होंने समय सुबह 10:30 से तो 11 बजे तक किसी भी एक नंबर और उनकी निजी गाड़ी को भेज देते हैं टाइम से, और इधर लंच में के टाइम भी और इधर छुट्टी के टाइम भी, और उसके बाद में स्कूल में गतिविधियां अब सही से चल रही है, और भी कुछ समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे, बहुत सी समस्या मैंने हल कर दी है। विधायक जी और पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सोलंकी मैडम को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सीएम राइज स्कूल की पहली प्राचार्य बनूँ। जो नंदिनी ओम प्रकाश को हमने प्राचार्य बनाया है वो सीएम राइज स्कूल के तहत बनाया गया है उसे, क्योंकि हमें वहाँ से निर्देश मिले थे कि आपको छात्र संघ का अध्यक्ष की जगह आपको प्राचार्य नियुक्त करना है, और जो प्राचार्य रहेगा वो 15 दिन तक के लिए रहेगा, फिर अगले बार जब प्राचार्य बनाएंगे तो उसके सहयोगी के रूप में ही दो बन जाएंगे, तो उनकी छात्र परिषद भी बड़ी होती हुई चली जाएगी और वो अच्छे से निगरानी कर सकते हैं बच्चों के बीच रहते हैं, और ये पहली पहल है हमारे संस्था के लिए भी, क्योंकि ये सीएम राइज स्कूल में बनाया गया है प्राचार्य।
हाँ उनको बता दिया गया है कि आपको 15 दिन तक स्कूल की सारे शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान रखना है, क्लासरूमों में ध्यान रखना है, आपको पीरियड्स का ध्यान रखना है कि टाइम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो कोर्स का भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि कोर्स आपका पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, जो टेस्ट वगैरह चल रहा है उस पर भी वो निगरानी रख सकते हैं। और ख़ासतौर पर बच्चे यहाँ पर बार बार बाहर निकल रहे थे उन पर भी उनको ध्यान रखना है। तो ये जो प्राचार्य बना है उसके साथ उनकी टीम भी गठित कर दी गई है 9 से 12 तक के, और जो बड़ी क्लास है वहाँ पर दो कप्तानों की घोषणा करी है अपन ने, और जो छोटी क्लास है वहाँ पर एक कप्तान की घोषणा की है। उसके आगे अनुशासन समितियाँ भी बनाना है, उप कप्तान भी बनाना है हम लोगों, वो भी प्रोसेस में चल रहा है। कैसा रहा वो प्रिंसिपल रहे इतनी, तो अभी उनका कैसा मैनेजमेंट रहा? उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है और मुझे भी काफ़ी सहयोग मिला है, क्योंकि मैं मुझे अन्य काम रहते हैं, इस वजह से ये हुआ है कि उनके सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा है। स्टाफ से कह सकते हैं कि क्लासरूम में उनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के बीच से बच्चे रहे हैं तो वो उनके बारे में ज़्यादा जानते थे। जैसे टीचर से जाते तो बच्चे थोड़ा सा डर जाता था, तो खुल के कोई बात बता नहीं पा रहे थे, वो उन्हीं के बीच से जब बच्चे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी समस्याएँ शेयर कर पा रहे हैं। एक हमारी प्रमुख समस्या थी यहाँ पर विद्यार्थियों का जो स्कूल है वो छात्र छात्राओं का कम्बाइन होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होकर सामना करना पड़ रहा था। जो असामाजिक तत्व आ रहे थे, क्षेत्रीय विधायक जी आए थे एक प्रोग्राम में 9 तारीख को, उसमें हमारी जो छात्र संघ की प्राचार्य थी उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी थी, वो पुलिस प्रशासन से भी मांग की थी, तो समस्या से काफ़ी परेशानियाँ हमारी हल हुई, क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन रोज़ यहाँ पर डेली आना जाना।